इस बहन की गवाही है, इसका बेटा जब 1.5 साल का था तो एक कपड़ा धो रही थी छोटी नहर के पास, एक कपड़ा धो रही थी और कोई एक स्त्री को मरे हुए 1 हफ्ता हुआ था, वो मर चुकी थी। उसके 1 हफ्ते बाद वही स्त्री एक शरीर में होकर इसके पास आई, जब कपड़ा धो रही थी तो उस स्त्री ने इससे बात किया और औरत ने इसे कहने लगी, क्या कर रही हो, इससे बात करने लगी औरत, मरी हुई औरत ने इससे बात करने लगी दुष्ट आत्मा, और इसको बोला कि तुमने बच्चों घर पे छोड़ के आई क्या, तो हाँ मैं बच्चों को छोड़े घर पे आई हूँ। ये बात इसको 17 साल हो गया था, 17 साल हो गए इसको दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। दुष्ट आत्मा के अटैक होने के कारण ये बहन बहुत सी परेशानी में चले गए। जब दुष्ट आत्मा अटैक किया इसको 17 साल पहले, उस समय से बीमार रहने लगी, इसके पैरों में दर्द होने लगा, पैर में हमेशा जलन रहती थी, दिमाग मन भारी भारी रहता था और इसके शरीर में बहुत दबाव पड़ता था। और ये और कम से कम कितना पैसा खर्चा किया अब तक आपने? 2 लाख खर्चा हो गया, 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर चुके इसके पीछे, पर कहीं कोई आराम नहीं मिला। दुष्ट आत्मा इसके पीछे पड़ा हुआ था, इसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ था, तो परमेश्वर ने इसको छुटकारा दिया है। जब पिछले बुधवार को जब ये आराधना कर रहे थे तो दुष्ट आत्मा इसको छोड़कर उसी दिन चली गई, और दुष्ट आत्मा इसको बोल के गई कि मैं जा रही हूँ, मैं दोबारा तेरे पास फिर नहीं आऊंगी। आमीन। इसकी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इस बात को 17 साल हो गए, 17 साल के बाद परमेश्वर ने इसको बुधवार को आराधना करते करते परमेश्वर को छुटकारा दिया और दुष्ट आत्मा ने इसको दिखाई दिया और दुष्ट आत्मा ने इसको कहा कि तू मुझे देखेगी नहीं, मैं जा रही हूँ तेरे पास से, अब मैं तेरे पास में कभी दोबारा लौट के नहीं आऊंगी, मुझे देख ले। एक बार दुष्ट आत्मा ने इससे बात किया पर इसने आंख खोल के देखा नहीं, इसका आराधना में इसका मन लगा हुआ था, तो वे आराधना कर रही थी, दुष्ट आत्मा इसको छोड़ गई और पूरी रीति से उस दिन से इसका पैर के जलन खत्म हो चुका है। वो देखिए, जब पैर में हमेशा जलन रहती थी, पैर के जलन, पैर के दर्द और एकदम से दिमाग में एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है, इसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही के साथ इसको ब्लेस और चंगाई दिया है, दुष्ट आत्मा से इसको आजाद किया है। परमेश्वर के जोर से तारीफ पर खुदा ने जोर से तारीफ बनाए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावन इस गवाही के लिए। मेरे परमेश्वर आप कंप्लीट में छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से तुमने आजाद किया, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।